आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 में श्रीमद भागवत कथा उत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम में व्यासपीठ से श्री कृष्ण ठाकुर महाराज ने भक्त जनों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा का श्रवण कराया। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 में श्रीमद भागवत कथा उत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम में व्यासपीठ से श्री कृष्ण ठाकुर महाराज ने भक्तजनों को श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का श्रवण कराया, जिसे सुनकर भक्त झूम उठे। राम जी ने उसके पैरों को पकड़कर के महाराज 7 बार घुमाकर के जमीन पर पटक दिया। महाराज श्रीमद भागवत कथा को लेकर आवास विकास कॉलोनी के लोग बेहद उत्साहित है और बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज 6वां दिन है भागवत सप्ताह का, ये 22 तारीख से शुरू हुई है। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम है 56 भोग और गोवर्धन लीला। श्री कृष्ण भगवान की गोवर्धन लीला का मेन आज का वो है 56 भोग का। वह उसमें बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और लीला का आनंद उठा रहे हैं। सेक्टर 11, 12, 6, 7 जितने आवास प्रकार 16 सेक्टर हैं, 16 सेक्टरों को ही लोग, महिलाएँ, पुरुष, बच्चे सभी आ रहे हैं, उसका श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं और उनको अच्छी अच्छी सीखें सीखने को मिल रही हैं। बताया गया कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जो बचपन में नटखट, माखन चूर आदि का कार्य किया उन्होंने, और बड़े काफ़ी लोगों का उद्धार किया जो दुराचारी थे, पापी थे, जिनके कारण पृथ्वी पर बहुत बोझ हो गया था, उनका संहार किया और उद्धार किया। इसके अलावा उन्होंने अपने 7 साल की उम्र में ही गोवर्धन पर्वत को उठाकर जिस तरह से सभी ब्रजवासियों को अपने साथ में एकत्रित किया था, इससे ये एक प्रेरणा मिलती है कि हम सभी लोग एकत्र रहें और प्रेम भाव से रहें। यही श्री कृष्ण भगवान ने हम सबको उपदेश दिया था श्री गोवर्धन पर्वत उठा करके। सर, यहाँ कृष्ण लीला हो रही है जहाँ हमें कृष्ण जी के बारे में सब कुछ जानने को मिल रहा है। जरूरी नहीं हमें मथुरा जाना पड़े, वृंदावन जाना पड़े। आचार्य आदर्श कृष्ण जी पंडित जी ने यहाँ पर ही हमारे लिए वृंदावन बना दिया है अपने आनंद के साथ में। श्रीमद् भागवत कथा 31 दिसंबर तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा 31 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कथा स्थल पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।